अंशु की रेसिपीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पाइसी स्वीट कॉर्न। कॉर्न जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कॉर्न बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। इसे आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, किसी टाइम पर बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और झटपट बनने वाला नाश्ता है। तो आइए हम देखते हैं। हमने स्वीट कॉर्न बनाने के लिए कॉर्न लिया है, स्वीट कॉर्न, चाट मसाला लिए हैं 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स लिए हैं 1 टेबल स्पून, जिंजर मैंने ग्रेट करके, एक छोटा टुकड़ा ग्रेट करके रखा है, नमक लिया है हमने, सॉल्ट स्वादानुसार, टेस्ट के हिसाब से, आपके जितने कॉर्न की क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से आप कॉर्न नमक का यूज़ करेंगे, और हमने बटर लिया है। बटर के साथ दोस्तों हमने 2 ग्लास पानी लिया है जिसमें हम अपने कॉर्न को बॉयल करेंगे। अब दोस्तों मैं फ्लेम ऑन करूंगी और फ्लेम को हम स्लो में रखेंगे, और एक पॉट मैंने तैयार इसमें रेडी किया है, चढ़ाया है, इसमें हम 2 ग्लास पानी डालेंगे। और जो कॉर्न हमने लिया था, हमें 5 से 7 मिनट के लिए इसे बॉयल करना है। कम फ्लेम पर हमें 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल करना है। इसे हम ऐसे कवर कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा लगभग कॉर्न बॉयल हो गया है। मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इसको बॉयल करने के लिए रखा था। ये हमारा बॉयल हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद हम इसके जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हमने इसका पानी स्ट्रेन कर लिया है, जो हमने बॉयल किया था वो पानी स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। हम फिर से फ्लेम ऑन करेंगे। फिर से मैंने एक बर्तन ले लिया है। ये जो सारा प्रोसेस है वो थोड़े समय का ही है, जैसा मैं आपको करके बतलाती हूँ। मैंने बटर लिया, फ्लेम को हम कम रखेंगे, बटर हम ऐड करेंगे। थोड़ा मेल्ट होगा बटर तो फिर हम जिंजर ऐड करते हैं। फिर हम जिंजर ऐड करेंगे। फिर हमने जो चिली फ्लेक्स लिया था, उस चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो को ऐड करते हैं। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। कमी रखेंगे फ्लेम दोस्तों, हम कमी रखेंगे क्योंकि ये जो भी मसाला है वो जले ना। अब हम इसमें कॉर्न ऐड करेंगे। जो कॉर्न हमने बॉयल किए थे उस कॉर्न को हम ऐड करेंगे। और अच्छे से मिलाएंगे। अब दोस्तों हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार ही ऐड करिएगा। देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा दिख रहा है। इसे अच्छे तरीके से मिला लें कि सारे जो मसाले हैं वो उसमें अच्छे से मिल जाए। फिर हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। 1 टेबल स्पून ही चाट मसाला मैंने यूज़ किया है। अब दोस्तों हम इसमें कोरिएंडर लीव्स जो मैंने लिया था वो हम डालेंगे। फिर अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा दिख रहा है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है।
देखिए दोस्तों, ये हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। सारे मसाले, बटर हमारा सारे कॉर्न में, स्वीट कॉर्न में मिक्स हो गए हैं। अब हम अपना गैस का फ्लेम बंद करेंगे। देखिए दोस्तों, ये कॉर्न हमारा रेडी हो गया है। स्पाइसी स्वीट कॉर्न रेडी हो गया है आपके नाश्ते के लिए। और ये दोस्तों बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, आप भी घर पे ट्राई करें। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।